तो देखिए यहाँ पर आज हम सीखेंगे एक्सट्रूड एंड बिवेल के बारे में, ठीक है। तो 3D का एक फीचर है, 3D फीचर, 3D एक्सट्रूड एंड बीवेल, सही है। क्लिक करेंगे यहाँ पे, शिफ्ट के साथ इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, यहाँ पे इस तरह से नजर आने लग जाएगा और उसको इस तरह दिखा देते हैं, ठीक है। तो अब इसको कैसे यूज करते हैं थोड़ा इसको समझने की कोशिश की। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट आप जब बनाएं, उस ऑब्जेक्ट को जस्ट लाइक 3D आप दिखाना चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन यूज कर लेंगे। कुछ भी, एनीथिंग एल्स, जो भी आप ड्रॉ करें, जो भी आप डिजाइन करें, चाहे वो लोगो है, चाहे वो कोई डिजाइन है, चाहे वो कुछ भी चीज है, उसको आप 3D कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे समझाने के लिए मैं आपको ऐसा करता हूँ कि ये ऐसे करके एक सिंपल सा कोई हम लोगो बना लेते हैं और उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं 3D के अंदर। तो ये हमने ऐसे एक बनाया, यहाँ पे हमने कर्वेचर टूल को यूज किया और इसको हमने कुछ ऐसे कर दिया और इसको हमने कुछ ऐसे कर दिया, ये एक हमने शेप बना दिया और इस शेप को हमने जो है इसके ऊपर एक और शेप बना दिया। लेट्स सपोज यहाँ पर क्लिक करके शेप बना के इसको हमने इस तरह से ऊपर रख के इसको डायमंड में कन्वर्ट कर दिया और इसके ऊपर एक शेप नीचे ले लिया, ठीक है। तो ये समझे कि हमने एक कोई भी डिजाइन टाइप का कुछ बना दिया, इसको अगर हम इस तरह से दिखा रहे हैं तो ठीक है, वरना हम इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देते हैं, ऐसे नजर आने लग जाएगा। और इसके ऊपर एक और शेप हमने ले लेना है, जैसे ऐसे गोल करके कोई शेप बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए एक शेप हमने पहले से बना दिया, तो इसमें एक फीचर है रैप टेक्स्ट का, वो आपको मिलेगा यहाँ पे। आई थिंक सो वो दिखाई दे रहा था, इफेक्ट्स पे चले जाएं, यहाँ से आ जाएं स्टाइलाइज में और ऊपर चलते हैं, देखते हैं डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म में वार्प टेक्स्ट का ऑप्शन आ रहा है, वार्प शेप्स, वार्प, ये रहा। जैसे इसको वार्प करेंगे आर्क में तो ऐसा नजर आएगा। आर्क के अलावा इसको आप आर्च में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, आर्क पे कर लें, बिल्कुल गोल करना है तो इस तरह गोल कर दिया, ओके कर दिया और इसको उठा के हमने इसके ऊपर यहाँ पे इस तरह से दिखा दिया। तो भाई ये एक हमने शेप टाइप बना दिया और इसको क्लिक करके अब हमने एक्सपैंड कर दिया सबको ना, एक्सपैंड अपीयरेंस एक्सपैंड कर दिया। कलर स्कीम्स के लिए हमने इस पे ग्रीन कलर दे दिया और इसको यहाँ से थोड़ा सा ब्लू कलर दे दिया और यहाँ पर इसको हमने एक रेड कर दिया और एक को हमने जो है यहाँ से ब्लू कर दिया, ठीक है। तो ये एक शेप का स्टाइल बन गया। अब इसको सिलेक्ट करके अगर हमें 3D दिखाना है तो किस तरह बनाएंगे इसको 3D, तो यहाँ पर लिया है नीचे, पहले हमने इनको क्लिक करके ग्रुप कर लिया, ग्रुप करके इनको फिर एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करके ये एक शेप के तरह नजर आ रहा है। एक्सट्रूड करने के लिए इफेक्ट्स में जाएंगे, 3D पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ऑप्शन लेंगे एक्सट्रूड एंड बेवल का। तो ये देखें इस तरह से 3D आपको नजर आने लग जाएगा। इसकी डेप्थ को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इसकी डेप्थ को हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, इसको 50 के बजाय 25 की डेप्थ अगर हम यहाँ पे दे दें इसको तो ये 25 की डेप्थ में इस तरह से नजर आएगा। और अगर कम ज्यादा करनी है डेप्थ तो ऐसे कर सकते हैं और ये इस तरह से देखें उसी लोगो को हमने या शेप को एक 3D मॉडल के अंदर हमने दिखा दिया। अब अगर इसके ऊपर हमने यहाँ से इफेक्ट्स में जाके 3D पे जाके एक्सट्रूड पे हमने दोबारा से क्लिक किया तो लाइटिंग इफेक्ट, अब दोबारा यहाँ से एडिटिंग करने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं है, जब भी एडिट करेंगे तो विंडोज में जाके यहाँ से अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे और जब अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे तो जब हम इसकी अपीयरेंस पे क्लिक करेंगे तो ये अपीयरेंस का पैनल खुल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से 3D एक्सट्रूड एंड बीवेल का ऑप्शन खुल जाएगा। तो यहाँ से आप इसका जो दोबारा से जो भी एडिटिंग है या लाइटिंग इफेक्ट्स है उसको मोर ऑप्शंस में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे। यहाँ से देखें इसके लाइटिंग इफेक्ट्स को आप अपने हिसाब से जितना चाहें कंट्रोल कर सकते हैं, और अगर आप अंदर से यहाँ से लाइट दिखाना चाह रहे हैं ऊपर से पड़ रही है लाइट तो इसको यहाँ रख दें, और अगर आप इसको ऊपर से लाइट दिखाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे रख दें, और इसको यहाँ पे एड एंकर करके इसकी एक लाइट जो है वो यहाँ से अगर आप दिखाना चाह रहे हैं तो उसको यहाँ रख दें। तो एक ऊपर से लाइट पड़ रही है, एक सामने से नीचे से लाइट पड़ रही है, और अगर सामने से पड़नी चाह रही है तो यहाँ पे रख दें। तो ऊपर और सामने से अगर एक जगह पड़ेगी तो फिर वो जो बीच का डिफरेंस है वो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए हम या तो लाइट्स को इस तरह से रखते हैं कि एक शेड हमें वहाँ का पता पड़ता रहे, या फिर एक ही लाइट रखते हैं और एक को रिमूव कर देते हैं। जैसे ओके करेंगे तो ये देखें इसके ऊपर इस तरह से 3D में हमें दिखाएगा। अब इस 3D में जो मॉड्यूल है ये हमें इस तरह से नजर आ रहा है, लेकिन अगर हम इसकी एक डुप्लीकेट ले लें यहाँ से क्लिक करके तो जैसे इसका जो व्यू है ये थोड़ा सा इस साइड पर है, इस परस्पेक्टिव पर है। आप इस परस्पेक्टिव पर बनाना चाह रहे हैं तो कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करके यहाँ से इसके 3D अपीयरेंस में जाके दोबारा से इसको एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद देखिए यहाँ पे तीन रोटेशन एंगल्स हैं, एक ये है, इस वैल्यू को आप अप एंड डाउन एरो की मदद से चेंज करके देखें। जैसे कि अगर आपको उसको लेटा हुआ दिखाना है
तो इसको इस तरह से आप लेटा देंगे तो ये आपको फिर लेटा हुआ नजर आएगा, ठीक है, ठीक है। और अगर आप इसको खड़ा हुआ दिखाना चाह रहे हैं तो इस तरह से खड़ा हुआ नजर आएगा, और उसको आगे की तरफ झुकाना चाह रहे हैं तो ये इस तरह से आगे भी झुका हुआ इस तरह से दिखाई दे सकता है। तो यहाँ से देखिए इस शेप को हम इस तरह से रोटेट कर सकते हैं। अब अगर हम इसके सराउंडिंग्स की बात करें तो इसको हम बढ़ा रहे हैं तो ये देखिए इस साइड पे घूम रहा है तो ये इस साइड पर नजर आएगा, यानी कि अगर हम चाह रहे हैं सपोज टू बी कि ये इस तरह से दिखाई दे तो यहाँ से इस तरह करेंगे, और ये जो इसका ऊपर नीचे का मामला है तो इस तरह से इसको सीधा करेंगे तो ये देखिए हमने इसको सीधा कर लिया, और जो झुकाव का मामला है तो यहाँ से इसके झुकाव को हम थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देते हैं, और रह गया लाइटिंग इफेक्ट का मामला तो यहाँ से हम इसको ऐसे दिखा देंगे, ओके कर देंगे। तो आप देखें ये इस साइड डायरेक्शन में और हमने इसको इस डायरेक्शन में बना दिया। इसी तरह अगर इसको लेटा हुआ दिखाना है तो आप किस तरह से लेटा हुआ दिखाएंगे, लेटा हुआ दिखाने के लिए हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ से दोबारा से इसका एक और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं यहाँ पर, और इसको दिखा के हम यहाँ से कर देते हैं थ्रेडिंग विवेल करके इसको लिटा देते हैं पहले। तो लिटाने के लिए हमें इसको इस तरह से लिटाना है, इस तरह से दिखाना है लिटा हुआ, तो ये इस तरह से लिटा दिया, ठीक है। और उसके बाद जो इसकी पोजिशन सेट करनी है कि हमें किस तरह से दिखाई दे, तो इसको इस तरीके से मोड़ लिया हमने, ठीक है, ये ऐसे दिखाई देगा, और इसको थोड़ा सा और लिटा दिया यहाँ पे ताकि ये सीधा हो जाए। उसके बाद इसको थोड़ा यहाँ से क्लिक करके इन वैल्यूज को यहाँ से ऐसे कंट्रोल कर लिया आपने कि ये ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा सा पीछे से उठा हुआ दिखाई देगा तो यहाँ से इसको थोड़ा सा उठा लिया। लाइटिंग इफेक्ट्स को इसको ऊपर की तरफ रखेंगे तो ये देखिए इस तरह से आपको दिखाई देगा, ये देखे इस तरह से लेटा हुआ। तो एक ही ऑब्जेक्ट को मैंने तीन एंगल से आपको मुख्तलिफ तरीके से दिखाया, और ये 3D एक्सट्रूड की मदद से हम इजिली कर सकते हैं। अब हम आते हैं जरा एक और असाइनमेंट की तरफ, अगर हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करें तो ये हम इसको यहाँ रख लेते हैं, और बल्कि इसको यहीं रहने देते हैं जहाँ रखा हुआ था, और इसके लिए एक और नया हम यहाँ से आर्ट बोर्ड ऐड करा लेते हैं। तो ये आर्ट बोर्ड कर लेते हैं। अब यहाँ पे 3D एक्सट्रूड को हम कैसे यूज करने वाले हैं, यहाँ पर मैंने एक असाइनमेंट लेके रखा हुआ है आपके लिए, तो यहाँ पे चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स में, एक AI का जो फीचर है हम वहाँ चले जाते हैं AI, और असाइनमेंट्स पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपको 3D एक्सट्रूड का एक ये असाइनमेंट मिलने वाला है, तो इसको किस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है, ये देखिए इस तरीके से। तो इसको बनाने के लिए आपने सिंपली क्या करना है, सबसे पहले जो है आपने इसमें CEO लिखना है, तो पहले हम यहाँ पर आके टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, एंड देन क्लिक करके यहाँ से पहले ले लेते हैं C। तो C किस फॉन्ट पे ले रहे हैं आप, उसको क्लिक करके थोड़ा सा बड़ा कर लें। ये फॉन्ट है तो मेरा ख्याल है कि ये फॉन्ट अप्रोप्राइट नहीं है, इसके लिए हम फॉन्ट यूज करने वाले हैं वो बेसिकली हम यूज करेंगे Ctrl+A और सिलेक्ट करके यहाँ से एरियल ब्लैक का फॉन्ट यूज करते हैं, एरियल, और एरियल के साथ लेंगे एरियल बोल्ड, ठीक है, इस तरह का फॉन्ट हम इसमें यूज करने वाले। अब इसके ऊपर हमने क्या करना है, इसका जो फ्रंट है वो लाइट रखना है और जो पीछे वाला हिस्सा है वो डार्क रखना है, तो इसके आउटलाइन पर डार्क कलर दे दिया और फ्रंट पे हमने आउटलाइन दे दिया। अब इसको 3D एक्सट्रूड में जाके यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ से 3D एक्सट्रूड करेंगे, एक्सट्रूड करने के बाद यहाँ पे देखिए इसकी डेप्थ बन जाएगी। अब डेप्थ को हम ले जाएंगे 700 तक, तो ये इसकी 700 की डेप्थ है, जैसे ओके करेंगे तो इतनी बड़ी डेप्थ बन जाएगी। क्लिक करेंगे यहाँ से दोबारा से अपीरियंस पे और 3D एक्सपोर्ट को खोलेंगे। अब इसको सीधा करना है तो यहाँ से क्लिक करके पहले इसको ऐसे करके सीधा करेंगे, ठीक है, और 700 थोड़ी डेप्थ ज्यादा हो गई है तो कम करके इसको 600 कर देते हैं, और ये देखिए आपके बिल्कुल सीधा आपने इसको इस तरह से कर दिया। सीधा करने के बाद ये सीधा जब हो जाएगा तो यहाँ पर रख के थोड़ा सा देखें सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा भी दिखाना है इसको, और इसको रोटेट भी करना है, तो इसको हम थोड़ा सा आगे की तरफ झुका के रखते हैं इसको, और यहाँ से गोल घुमाएंगे इसको ताकि इसका वो वाला हिस्सा जो है सामने आए, तो इसको गोल घुमाने के लिए हमने ये वाला ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से घूमेगा, ये थोड़े फास्ट रिजल्ट चाहिए तो इसको खुद घुमा लें इस तरह से, तो फिर थोड़ा प्रीव्यू को ऑफ करके और ऑन कर लें तो ये इस तरह से आपको नजर आएगा। थोड़ा सा लाइटिंग इफेक्ट्स को देखना तो ऊपर रखेंगे लाइटिंग इफेक्ट्स, तो ये इस तरह से आपको ओके करने पे नजर आएगा, और ये दूर से कुछ आपको इस तरह का इफेक्ट दे रहा होगा, ठीक है। अगर इसको थोड़ा छोटा करना है तो इसकी डेप्थ को कम कर लें, यहाँ से क्लिक करके जहाँ पर आपने इसकी 600 डेप्थ की है वहाँ 500 कर दें इसके डेप्थ को कम करके, आपको इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अब इसका जो ये वाला हिस्सा हमें सामने रखना है तो अब इसको कैसे करेंगे, 3D एक्सट्रूड पे जाएंगे, इसको इस तरीके से फिर से घुमाएंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं जैसे इसको घुमा रहा हूँ तो ये हिस्सा इसका सामने आता जा रहा है, तो जैसे जैसे हिस्सा सामने आता जा रहा है वो ये इस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है। अब इसको क्लिक करके मैं यहाँ से इसको दोबारा से ऐसे सीधा कर लूंगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल सीधा तो नहीं होगा, थोड़ा टेढ़ा ही रखना पड़ेगा इसको, और फिर उसके बाद ये वाला जो रोटेशन पॉइंट है इसको घुमा के मैं इसको थोड़ा सा इधर घूम रहा है, ये वाला घुमाते हैं,
ओके कर देते हैं, इसको थोड़ा सा लाइट कलर करते हैं पीछे, फ्रंट पे लाइट करते हैं, तो ये इस तरह से नजर आएगा। उसके बाद हम इसको थोड़ा सा आगे जैसे ई और ए दिखाना है, आई थिंक ये फॉन्ट का भी थोड़ा सा मामला लग रहा है इसके अंदर, हम थोड़ा फॉन्ट चेंज करके देखते हैं, यहाँ से क्लिक करके नॉर्मल एरियल का फॉन्ट या कोई ऐसा फॉन्ट लेते हैं जैसे ये स्वेग यू है, तो ये देखें इसके अंदर ही काफी क्लियर इसके अंदर नजर आ रहा है, वो जरा सी का मुंह ज्यादा क्लोज हो गया था इस वजह से वो इसके नहीं शो कर रहा था, तो मैं इसको थोड़ा डार्क करता हूँ यहाँ से। अच्छा दूसरा इसके ऊपर लाइटिंग इफेक्ट्स का भी स्ट्रक्चर है, जब इसका सीधा कर दिया हमने तो लाइट इसको कहाँ लगानी है, और इस तरह से लाइट लगानी है, इसकी लाइट एक तो ऊपर लगानी है और दूसरी लाइट कहाँ लगानी है, दूसरी लाइट इसके नीचे भी लगानी है, और थोड़ा सा झुका हुआ रखना आगे की तरफ, तो ये झुकेगा कैसे, तो ये ऑन ऑफ करेंगे इसका, थोड़ा सा और झुकाना है, ओके तो एक लाइट और ले लेते हैं इसकी, ये देखिए अब सेट हो गया सही, तो इस तरह से आपने इसको कर देना, एक लाइट ऊपर लगा दी एक नीचे, और इसको थोड़ा सा डार्क, ऊपर वाले को लाइट करना है, नीचे वाले को डार्क करना, ऊपर वाले को लाइट कर दिया और नीचे वाले को क्या करना है, डार्क करना, अब सही लग रहा है। इस तरह से आप इसको बना के दिखा सकते हैं, इसी तरह से ई बनाना है तो अब आपको ज्यादा नहीं अल्टर के साथ इसका डुप्लीकेट लेना है, और इसमें जाके आपने सी को मिटा के ई लिख देना है, तो ई कैपिटल में लिख लेते हैं, फिर इसका रोटेशन आपने अपने हिसाब से सेट करना है, जैसे ये इसके स्कैम्पर टू थोड़ा छोटा नजर आए, यानी कि इसके आगे आएगा वैसे ही छोटा नजर आ रहा होगा, लेकिन इसके आगे थोड़ा सा छोटा नजर आए, तो किस तरह से नजर आएगा छोटा, जैसे इसको हम थोड़ा पीछे कर लेते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, तो ऐसे नजर आ रहा है, और इसका छोटा मजीद करना है तो इसका एक्सट्रूड जो है 500 से कम करके 400 कर दें, और जैसे इसको ओके करेंगे तो ये देखें इससे छोटा नजर आएगा। इसके बाद इसका एक डुप्लीकेट लेके ओ लिखना है, तो ओ में हमने क्या करना है, ओ लिख के यहाँ पे इस तरीके से दिखाना है, और ओ में भी हमने इसे सीधा करके थोड़ी डेप्थ बढ़ा देनी है, इस तरह की चीज कर लेनी है, स्ट्रेट करके थोड़ा सा इसको यहाँ से इसको इस तरह से सीधा कर लेना है, ठीक है, तो सीधा हो जाएगा ये, तो डेप्थ इसकी सही है लेकिन इससे छोटा नजर आना चाहिए, तो वो इसके आगे रखना है लाके इस तरीके से, तो वो इस तरह से दिखाई देगा, मतलब सी ई ओ एक दूसरे की आड़ में रखना है, जैसे सी ई और ये ओ आएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरह से शो करना है इसको, तो सीईओ इस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। बाकी ये जो है इनको हम क्या कहते हैं, इनके लिए भी हम यहाँ से क्लिक करेंगे, और यहाँ पे क्लिक करके ये है ब्रैकेट्स, तो ये आपने एक गोल ब्रैकेट यहाँ पे लगा दिया, तो इस तरह का ब्रैकेट बन गया। अब इस ब्रैकेट को भी एक ओवर एक स्टार्ट है, तो स्टार्ट ब्रैकेट तो ये हो गया, ओवर ब्रैकेट भी लगाना है, तो डबल क्लिक करना है यहाँ से, इस ब्रैकेट को यहाँ से इस तरह से कर लिया। अब इसकी जो डेप्थ और उसके रोटेशन पॉइंट है उस पर क्लिक करके यहाँ से आपने इस तरह से घुमा देने हैं कि किस तरह दिखाई दे रहा है, तो ये देखें इस ई की तरफ इसका मुंह है, तो इसको इसी तरह से सीधा रख के ऐसे सीधा रखते हुए इस तरफ को घुमा देना है, ठीक है, तो इस तरह से आ गया, और उसकी डेप्थ को आप बढ़ाना चाह रहे हैं यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट जैसे चाहे आगे पीछे जहाँ रखना चाहे वहां पर ले जाकर रखने, तो ये इस तरह से इसका ब्रैकेट जो है वो क्रिएट हो जाएगा। फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहे इसका तो सिलेक्ट ऑल करके फॉन्ट बढ़ा भी सकते हैं, और फॉन्ट बढ़ाने के साथ साथ ठीक है जैसे फॉन्ट बढ़ा भी सकते हैं और बढ़ाने के साथ साथ फॉन्ट चेंज भी कर सकते हैं, जब तक कि आप उसको कन्वर्ट नहीं कर लेते किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें आपकी क्रिएट हो जाएंगी। तो इस तरह से ये वी ओ ये सारी चीजें बनानी है, दूसरा ये आपने खुद बनाना है, फिर जैसे एक एन लेके इस तरह से उसकी डेप्थ बनाया, फिर दूसरा इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन पे नजर आए, ये चीज आपने खुद करनी है। इसमें आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, इस तरह अपना नाम भी लिख के इस तरह से दिखा सकते हैं डिजाइन में 3D करके, तो ये इसके अंदर आप चीज को क्रिएट करना है, और इसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता अपने माउस को यूज करना है ताकि वो इजिली आपके साथ साथ मूव हो सके, वरना ज्यादा जल्दी करेंगे तो कंप्यूटर हैंग हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, वो सब आपके इख्तियार में, यहाँ से आप जो चाहें कलर अगर चेंज करना चाहें तो यहाँ पे और कलर चेंज कर सकते हैं, लाइटिंग इफेक्ट को चेंज करना चाहें
यहाँ से क्लिक करके लाइटिंग इफेक्ट को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है इस तरह से। और ये और लाइट ठीक है, समझ में आ रही है। तो अब ये आपने बनाना है, फिर ये मुझे बता दें।